तो देख लीजिए दोस्तों, आज फिर इस मॉल में आए हुए हैं कुछ सामान लेने के लिए। कितने का ले लिया है? ये हो गया मेरा 3,000 का। पागल हो गई का? जमे से है ना, जमे से 2,000 रुपए कम कर लो। 2,000 का सामान हटा लो, 1,000 का सामान ले लो। ले भैया सामान बाहर निकालिए वापस। मेरी जितनी बस की नहीं है 3,000 को सामान लेके बैठे। तेल की पाउच कम कर दे, 2,000 का 1,000 को 1,000 में काम चला ले। गरीब आदमी है अभी अपन। आधा पोहा कर दे, सामान इतने का खाएगी, दो जने हैं ले जाके अपन। कौन खाएगा जो इतने सामान है? अपन खाएंगे और कौन खाएगा? अरे सामान से कुछ नहीं होना, मोटापा ही बढ़ना है। तेल फालतू में 5 किलो जाके जाके 1 किलो। हमारी मम्मी 50 ग्राम तेल में काम चलाती है। ये हकीकत है। तुम्हारी मम्मी आज से 30 साल पहले चला। हाँ तो तेल तो वही है, वो मात्र एक चम्मच में सब्जी बिगड़ जाती। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, साफ बात है। मैं नहीं देगी तू तो पड़ोसी के दूंगा। तो फिर तो काय खिलाने यार, ये फालतू पपून करते यार। देख लीजिए दोस्तों, औरत ही बर्बाद करती है, औरत ही आबाद करती है। आप देख लीजिए 3,000 रुपए का सामान। सामान खाने के लिए ने सब कुछ टेस्टी चाहिए और सामान ये दिलवा नहीं रहे। तो 3,000 को सामान, मेरे तो हाथ पांव फूल गए। आपकी सही अपन ने 3,000 को लाओ, बेसत 5,000 को लेते। अरे भगवान मुझे हार्ट अटैक न आ जाए। 3,000 रुपए का मैं मल देती। मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही है भाई, जल्दी मुझे घर जाने पड़ेगी। ये देख लीजिए, इस तरह विद्या जी फिजूल खर्ची पे लगी हुई है। क्या किया जाए आप बताइए। आज फिर इस मॉल में मेरे बहुत सारे पैसे खर्च करा दिए हैं, लेकिन बहुत अच्छा शानदार मॉल है। जब भी आपको कुछ सामान चाहिए, ये न्यू सिटी कॉलोनी में है और बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार है। 10 किलो भी ले आटा, आटा ले ले। अरे वो आटा वो ले ले, पागल है का? आटा और ले लो, वो खाने में रखा है ना बड़ा वाला। आटा और ले लो, आटा तो महंगा है यार। गेहूं सस्ती है, गेहूं कितने देती है? ये एक आइटम और बढ़ गया, ये लड़का ले आया। क्यों ले लिया आटा और ले लिया? देख लीजिए, ये तो मेन चीज है। फोरोचून का आटा खाती हुई विद्या जी, तभी तो मोटी हो रही है विद्या जी। और मैं सूखता जा रहा हूँ, मोटी मेरा वजन मात्र 35 किलो रह गया है और इनका वजन 80 किलो हो गया है। दोस्तों मोटी नहीं हूँ मैं, बहुत फिट हूँ। इनके गाय नहीं हूँ, फालतू चीज खा के फूल रहा है। और जी देख लीजिए, फॉर्चून का आटा खा रही है विद्या जी। स्पंज है, स्पंज। चलो उठाओ, कट्टा उठा, कट्टा उठा मूड़ पे, कट्टा उठा दे। चलो भाई ये सामान हो गया दोस्तों। देख लीजिए कितना ज्यादा सामान लिया है, नगद पैसे दो। ये वो दुकान है, यहाँ से सामान अलग लीजिए और पैसे भी ले सकते हैं आप खर्चा के लिए। जब भी आपको जरूरत हो, खर्चा के पैसे भी देंगे ये और सामान भी दे दिया। देख लीजिए ये है गुना के यूट्यूबर का जलवा। भैया बहुत ही अच्छी रेट लगाते हैं और मैं इनका प्रमोशन कर रही हूँ, सभी लोग आना इनके मॉल में। और ये यूट्यूबर नहीं है, मैं भी यूट्यूबर हूँ। मेरे केवे देख लीजिए आप, ठीक है? ये फ्री में हिस्सेदारी बांट रही है, इनको कुछ नहीं मिलना है। चलो ठीक है भैया, इसके पैसे फोन पे कर देना। कितने पैसा है? 430। ये मोदी जी ने रेट बढ़ा दी गेहूँ की, मैं कहता हूँ इसके दे रहे ना, आप निकाल लेगी तुम दुकान से। हाँ दे रहेगा, दे तो फोन पे दे दो। चलो फोन पे दे रहेगा, 3,000 को ही होगा वो तो। ठंडी तो बहुत महंगी वाली दिख रही है सब पे ही। तो मैं कभी कोई चीज खरीदता नहीं, नहीं हूँ, ये सब फ्री मिलती है मुझे। हम नहीं लेते बेचारा, एक इतनी बुरा कर रहा है, एक सब्जी की बात है। तो भाई साहब एक मग अच्छा किया तो हमारे यहाँ सब। अरे अब टाइम तो मिले यार, वो बेचारा ठेला पे वो लगाए तो बात वो नहीं है। देखो समय तो अभी जीवन में रह गई, अरे वो कह रहा था मुस्लिम में जी, कह रहे थे अपन लौट के आएंगे फिर पिए। 430 मैं चाहे कहीं भी हो, अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज दी जाती है मैं सब काम छोड़ के रहूंगा। 430 तो 430 हाँ यार
मात्र 5 रुपए के 10 रुपए किलो आ रहा है, 10 रुपए किलो। 3000 होगा का भी ये सामान? 3000 से ज्यादा होगा। चलो ज्यादा निपटा था तूने, और सामान मैंने लव नहीं है। अब चलो बाजार लिया आनंद है, आनंद मंगल है। ये देख लीजिए, ऐसा बुढ़ापा गुजारना चाहता हूँ मैं, इसीलिए यूट्यूब पर आया हूँ। ऐसे ही कुर्सी लगी मिलेगी मेरी, और मेरा भी इस तरह का मॉल होगा एक दिन, और ये लूंगा मैं यूट्यूब की कमाई से। नहीं हमने ले रहे, हम तो बाबूजी की दुकान से सामान ले जाएंगे जब तक जिएंगे, जब तक हम कुछ और कुछ लेंगे, तार लेंगे हम, तार घूमेंगे।